ओके तो भाई आज का वीडियो रेसलिंग का इस चैनल का वन ऑफ द सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि भाई आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्चुअली बताने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट रेसलर आखिर कौन था। और यहाँ पर भाई मैं एक दो रेसलर को नहीं फीचर करने वाला हूँ, मैं टोटल पूरा 25 रेसलर को फीचर करने वाला हूँ। हाँ, रोमन रेंस के फैंस को भाई थोड़ा सा बुरा लग सकता है, पर भाई मैं आपको एक्चुअली लिस्ट दिखाने वाला हूं, लास्ट में आपको एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूं। तो आइए हम शुरू करते हैं, उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले लिस्ट के नंबर 25 का बात करें तो 25 पर भाई रॉडी पाइपर, आप में से बहुत सारे लोग रॉडी पाइपर को नहीं जानते होंगे, पर रोंडा रॉजी जैसे रेसलर का इंस्पिरेशन रॉडी पाइपर से ही आया। तो ये अपने टाइम के बहुत ग्रेट रेसलर थे, इनका रेसलिंग करियर बहुत लंबा नहीं टिक पाया। और हाँ, मैं सब रेसलर के बारे में बस थोड़ा थोड़ा मैं बोलने वाला, बहुत ज्यादा लंबा बोलूंगा तो भाई बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। देन इसको नेक्स्ट भाई लिस्ट का 25 का बात करें तो 25 पर आते हमारे एजे स्टाइल। एजे स्टाइल भाई करेंट टाइम के रेसलर है, तो भाई एजे स्टाइल कितना ग्रेट रेसलर है मेरे ख्याल से मुझे बताने का जरूरत नहीं है। एजे स्टाइल का अभी करेंट टाइम थोड़ा सा बुकिंग खराब चल रहा है, पर एजे स्टाइल भाई अपने टाइम का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर। एजे स्टाइल 2002 से ही रेसलिंग शुरू कर दिए, तो एजे स्टाइल अपने पूरे रेसलिंग करियर में 40 से भी ज्यादा चैंपियनशिप को विन किया। वो जापान रेसलिंग NJPW बहुत सारे रेसलिंग कंपनी के अंदर ऑलरेडी वो काम भी कर चुके हैं। 2016 के टाइम पर मेरे ख्याल से WWE कंपनी को ज्वाइन किया था, रॉयल रंबल के अंदर इनका डेब्यू देखने को मिला। वैसे नेक्स्ट आगे नंबर 23 का बात करें जो कि हमारे हैं डैनियल ब्रायन, जो कि कितना महान है मेरे ख्याल से मुझे बताने का जरूरत नहीं। डैनियल ब्रायन जॉन सिना के बाद वो दूसरे रेसलर थे जिसको ऑडियंस हमेशा सबसे ज्यादा प्यार करता था। डैनियल ब्रायन का यही फैन फॉलोइंग आज के टाइम पर भी हमें AEW कंपनी के अंदर हमें देखने को मिलता है। अगर आप लोग आज के 10 साल पहले से रेसलिंग देख रहे होंगे तो भाई मुझे नहीं लगता मुझे डैनियल ब्रायन के बारे में कुछ बताना। वैसे नेक्स्ट आगे नंबर 22 का बात करें तो नंबर 22 पर आते हैं हमारे कोडी रोड्स। कोडी रोड्स को लेकर मैं सही बताऊं तो भाई अपने रेसलिंग करियर में बहुत कुछ कोडी रोड्स नहीं किए, और मेरे ख्याल से अभी भी 2 साल कोडी रोड्स को मेरे ख्याल से पूछी सिर्फ किया गया। तो मेरे ख्याल से भाई कोडी रोड्स को इस लिस्ट से बाहर भी रखा जा सकता था, पर हाँ कोडी रोड्स अगर नंबर 22 पर है तो चलो ठीक है। कोडी रोड्स के बारे में मेरे ख्याल से सब कुछ आप लोग को बताया, 2005-06 से रेसलिंग स्टार्ट किए थे रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर। देन इसको नेक्स्ट नंबर 21 का बात करें तो नंबर 21 पर हमारे हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड CM। और भाई CM पंक का जैसा ऑरा था मेरे ख्याल से स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का इनसे बेहतरीन ऑरा सिर्फ आया। अगर आपको नहीं पता 2010-11 के टाइम पर जो CM पंक का ऑरा था लोग यही बोलते थे ये दूसरा स्टोन कोल्ड बनने वाला है, ये रेसलर स्टोन कोल्ड को ही पीछे छोड़ देगा। पर आपको पता उस बाद इनको WWE कंपनी से निकाल दिया गया, UFC के अंदर भी जाकर फाइट हार गए थे, इनका रेसलिंग करियर खराब हो गया। वैसे देन इसके बाद आगे लिस्ट के नंबर 20 का बात करें तो 20 पर आते हमारे रे मिस्टीरियो, जिनको मेरे ख्याल से लिस्ट में आगे होना चाहिए। रे मिस्टीरियो भाई कितने बड़े लेजेंड है मेरे ख्याल से बताने का नहीं जरूरत है। रे मिस्टीरियो 1996 से मैच रेसल कर रहे हैं, इनको करंट टाइम WWE कंपनी के अंदर 28 साल हो चुका है। आप लोग समझो जनरली जो छोटे हाइट वाले रेसलर डब्ल्यू वाले उनको मतलब अब साइन भी नहीं करते WWE कंपनी के अंदर, उनको लेते भी नहीं। रे मिस्टीरियो का भाई बिहेवियर इतना अच्छा था, इनका रेसलिंग स्किल इतना अच्छा था, इसलिए आज भी ये कंपनी के अंदर। बहुत सारे रेसलर ने इंटरव्यू के अंदर बताया अगर बैक स्टेज अगर सबसे अच्छा दिल का कोई इंसान है तो रे मिस्टीरियो। वैसे देन इसको नेक्स्ट आगे लिस्ट के नंबर 19 का बात करें तो 19 पर आते हैं हमारे आंद्रे दी जायंट। आंद्रे दी जायंट भाई बेसिकली भाई WWE हिस्ट्री के सबसे लंबे रेसलर में से रहे, ये भाई 90s के रेसलर थे, इनसे रिलेटेड बहुत सारे मैं आपको कहानी भी सुना सकता हूं। जैसे एक बार आंद्रे दी जायंट प्लेन में गए तो वहां इतना शराब पी लिए थे कि जब वो फाट करने गए तो पूरा प्लेन ही गमकना शुरू हो गया। भाई आंद्रे दी जायंट बहुत बड़े मॉन्स्टर थे, अगर आपको इनका मैच देखना तो जाकर 1990s के टाइम का मैच देख सकते हैं। आंद्रे दी जायंट और हल्क होगन का जो मैच हुआ था ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट वन ऑफ द फेमस मैच था उस टाइम। वैसे नेक्स्ट आगे नंबर 18 का बात करें तो नंबर 18 पर आते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन। बहुत सारे लोग इसको लेकर डिसअपॉइंट हो जाएंगे, पर भाई आप लोग टॉप 10 जरा लिस्ट देखना भाई आपका दिमाग सच में उड़ जाएगा। आप खुद रियलाइज करोगे रोमन रेंस को इस लिस्ट के 18 में रहना चाहिए था या फिर नहीं रहना चाहिए। बेसिकली देखो भाई रोमन रेंस का जो रेसलिंग कर रहा है मतलब सबसे टॉप पर सिर्फ 4 साल ही, रोमन रेंस अभी जस्ट 12 साल से ही रेसल कर रहा है मैच, तो अभी इनका रेसलिंग करियर बहुत सारा बचा हुआ है। भाई अभी नहीं पर हाँ ये फ्यूचर में भाई टॉप 10 के लिस्ट में जरूर से आ सकते हैं। नेक्स्ट आगे नंबर 17 का बात करें तो नंबर 17 पर आते हैं हमारे रिटायर्ड सुपरस्टार एज। और ये जो अंडरटेकर जैसा भाई रेसलिंग को इतना प्यार करने वाला बंदा आपको कभी WWE हिस्ट्री के अंदर दूसरा नहीं मिलने वाला। एज भाई इस लिस्ट के अंदर और भी ऊपर आ सकते थे, पर एज भाई 2011 से लेकर 2020 तक कोई भी मैच रेसल ही नहीं किया। वैसे अगर हम लोग आर्ट्रूथ को इग्नोर कर दे तो सबसे ज्यादा चैंपियंस बेल्ट आज भी WWE कंपनी के अंदर एज के ही नाम है। टोटल 32 चैंपियंस बेल्ट एज भाई 10-11 साल के अपने रेसलिंग करियर में सिर्फ वो विन किए। वैसे नेक्स्ट आगे नंबर 16 का बात करें तो नंबर 16 पर आते हैं हमारे मिक फोली। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रहा होगा रोमन रेंस क्यों नंबर 18 पर, क्योंकि भाई मिक फोली जैसे रेसलर को रोमन रेंस से ऊपर रखा गया जो कि बिल्कुल डिजर्व। मिक फोली के बारे में अगर आपको नहीं पता तो भाई इनसे ज्यादा सनकी बंदा रेसलिंग हिस्ट्री के अंदर दूसरा कोई अभी तक नहीं आया। हेलिना सेल के ऊपर से डायरेक्ट नीचे जंप कर चुके हैं, सर फड़वाना तो भाई इनका हर रोज का खेल। आप अगर इनका मैच देखोगे तो मेरे ख्याल से आपको मिक फोली के बारे में ज्यादा कुछ बताने का मुझे जरूरत भी नहीं। वैसे नेक्स्ट आगे नंबर 15 का बात करें तो नंबर 15 पर आते हैं हमारे क्रिस जेरिको। और ये बंदा भाई एक बिल्कुल डिजर्विंग बंदा, ये सारे भाई जो रेसलर मतलब भाई ये गोट हैं, लिटरली गोट है। रोमन रेंस आज के टाइम पर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने, पर भाई ये बंदा 2001 के टाइम पर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन चुका था। क्रिस जेरिको भाई 1997 से रेसल कर रहे हैं, आज भाई ये करंट टाइम 52 साल के हो चुके हैं फिर भी आज मैच रेसल कर रहे हैं। क्रिस जेरिको जैसा बंदा भाई आपको रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। ये बंदा अपने टाइम पर बिल्कुल एक ग्रेट था, अपने रेसलिंग करियर में जितना कुछ अचीव किया बहुत कम ही लोग उतना अचीव कर पाते हैं। अभी स्टिल ये 52 के एज में एक हार्ड
हार्डकोर रेसलिंग मैच अभी परफॉर्म कर रहे हैं। आगे नंबर 14 का बात करें जो कि हमारे हैं द वाइपर रैंडी ऑर्टन। भाई ये जितने भी लोग हैं मेरे ख्याल से सारे लोग रोमर ऐसे ग्रेट हैं, आपको शायद से अंदाजा लग चुका होगा। रैंडी ऑर्टन के बारे में भाई अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे ख्याल से छोटी मुंह बड़ी जवान भाई क्या बोला जाता, मतलब वही हो जाएगा। रैंडी ऑर्टन जैसा लेजेंड डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के अंदर ना कभी आपको कोई देखने को मिला था ना कभी कोई देखने को मिलेगा। बच्चा 19 साल का एज में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ज्वाइन करता और 52 साल के एज तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता। मेरे ख्याल से भाई इससे ज्यादा मुझे बताने का रैंडी ऑर्टन के बारे में कोई जरूरत ही नहीं। रैंडी ऑर्टन 5 साल और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अभी रहने वाला, बहुत कुछ आपको रैंडी ऑर्टन का भी और देखने को मिलेगा। इस लिस्ट के अंदर रैंडी ऑर्टन अभी और भी ज्यादा ऊपर जाने वाले हैं। देन इसको नेक्स्ट आगे नंबर 13 का बात करें तो नंबर 13 पर आते हैं हमारे एडी गेरेरो। भाई एडी गेरेरो का रेसलिंग करियर बहुत ज्यादा लंबा नहीं था पर भाई ये बहुत कम टाइम में बहुत कुछ देकर हमें गए। आज भी अगर आप लोग गूगल पर सर्च करोगे कौन सा रेसलर का डेथ के बाद रेसलिंग वर्ल्ड को सबसे बड़ा झटका लगा था तो यहाँ पर एडी गेरेरो का नाम सबसे टॉप पर आया। इनका डेथ 2005 के टाइम पर हार्ट अटैक के कारण हो गया था और डोमिनम आज करेंट टाइम मतलब भाई इनके ही स्टोरी लाइन को मतलब चला रहा है। एडी गेरेरो आज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर होते तो मेरे ख्याल से जॉन सीना जैसे रेसलर आपको शायद से देखने को नहीं मिलते इतने बड़े लेवल से। देन इसके बाद आगे अगर नंबर 12 का बात करें तो नंबर 12 पर आता है हमारे रैंडी स्वैग। मैं भाई बहुत ज्यादा इनके बारे में नहीं जानता पर हाँ ये अपने टाइम के बहुत बड़े एक रेसलर थे। मैं भाई बहुत ज्यादा पर्सनली आपको इनके बारे में नहीं बताऊंगा। वैसे आगे नंबर 11 का बात करें जो कि हमारे कर्ट एंगल जो कि भाई 100% इस लिस्ट के अंदर डिजर्व करते हैं। कर्ट एंगल भाई एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे, रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीते जो कि भाई आज के टाइम पर भी कितना टफ चीज है ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीतना मेरे ख्याल से सबको पता है। भाई 2005-06 के टाइम पर जो कर्ट एंगल का ऑरा था अगर आप लोग कर्ट एंगल को देखते होंगे तो मतलब भाई ये एक्सट्रीम लेवल का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर बहुत सारे और भी कंपनी के अंदर मैच रेसल करने के लिए चले गए थे इसलिए इनका रेसलिंग करियर खराब हो गया। भाई इनका जो रेसलिंग स्किल था मेरे ख्याल से ब्रॉक लेसनर से भी ज्यादा बेटर था, इनका रेसलिंग स्किल बहुत कमाल का। वैसे नेक्स्ट हम लोग भाई टॉप 10 का बात करते हैं। नंबर 10 पर आता है हमारे हल्क होगन। भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का अगर आपको किसी को जन्मदाता अगर कहना है तो वो हल्क होगन ही है बंदे। रोमन रेंज और अंडरटेकर तो भाई बाद में पॉपुलर है, तो ये बंदा भाई लिटरली 90s-80s का हीरो हुआ करता था। आज के टाइम पर ऑनलाइन जमाने में जितने लोग भाई रोमन रेंज के फैन है उससे 10 गुना फैन उस टाइम पर अमेरिका के अंदर हल्क होगन के हुआ करते थे। हल्क होगन के बारे में भाई मैं आपको मतलब एक 10 मिनट का वीडियो ही बनाकर दे सकता हूँ, इतना हल्क होगन का ग्रेट हिस्ट्री। मेरे ख्याल से भाई हल्क होगन एक लेजेंड थे जिन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को असली में पहचान दिया। अगर आपको नहीं पता तो हल्क होगन यो रेसलर थे जिन्होंने सबसे फर्स्ट रेसलमेनिया डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को दिया। लगातार 8-10 साल तक हल्क होगन ही रेसलमेनिया को लगातार मेन इवेंट किए थे उस टाइम। वैसे आगे लिस्ट के नंबर 9 का बात करें तो भाई हल्क होगन से भी महान रेसलर स्टिंग का नाम निकलकर सामने आया। स्टिंग वो लेजेंड थे जो कि 1986 से मैच रेसल करना शुरू कर चुके थे, 2024 के अंदर अपना लास्ट मैच रेसल किए। और छोटी मुंह बड़ी बात भाई मैं स्टिंग के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता, भाई ये एक मतलब रेसलिंग का भगवान थे। आपको स्टिंग जैसा दूसरा रेसलर कभी देखने को नहीं मिलेगा जो कि 64 केज में प्रॉपर मैच रेसल किया था AEW कंपनी के। देन इसके बाद आगे लिस्ट के नंबर 8 का बात करें तो नंबर 8 पर आते हैं हमारे द गेम ट्रिपल एच। बहुत सारे लोग भाई ट्रिपल एच को भले ही आज के टाइम पर गाली देते उनको नहीं पसंद करते पर भाई ट्रिपल एच जैसा दूसरा ट्रिपल एच आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। समझो विंस मैकमैन जैसा बंदा कितना ट्रिपल एच के ऊपर भरोसा करता था, अपना पूरा कंपनी भाई इसको दे दिया, बेटी का शादी ट्रिपल एच के साथ करवाई। ये कितना ग्रेट रेसलर थे, कितना मतलब रेसलिंग के प्रति इनका विजन कितना लंबा था। साथ ही साथ भाई ट्रिपल एच अपने ऑरा के सबसे बड़े हील रेसलर में से सबसे एक थे और इन्होंने भाई अपने पूरे रेसलिंग करियर के अंदर कितना कमाल का मैच दिया मेरे ख्याल से मुझे बताने का जरूरत नहीं है। आगे नंबर 7 का बात करें तो नंबर 7 पर आता है हमारे पूपरूपू 16-time वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। भाई जॉन सीना के बारे में मैं क्या बताऊं, भाई जॉन सीना मतलब मैं कुछ नहीं बोलने वाला जॉन सीना के बारे में। ऐसा समझ लो कि 2005-06 के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को एक नया किरण देने वाला बंदा जॉन सीना था। जॉन सीना वो बंदा था जिसने ये दिखाया कि बिना एडल्ट सीन को दिखाए हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को बहुत आगे ले जा सकते हैं। ये वो बंदा था जिसकी वजह से बच्चे लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को देखना शुरू किए थे, आज भी बच्चे लोग का सबसे फेवरेट जॉन सीना है। देन इसके बाद आगे नंबर 6 का बात करें तो नंबर 6 पर आते हैं महानता का एक और मिसाल हमारे रिक फ्लेयर। भाई रिक फ्लेयर के बारे में मैं तो भाई बोल नहीं सकता, भाई मैं लिटरली नहीं बोल सकता। ये बंदा 1970 से मैच रेसल करने के लिए स्टार्ट किया था, 2022 के टाइम पर अपना लास्ट मैच रेसल किया। समझो रिक फ्लेयर एक ऐसा लेजेंड है जिसने 52 साल तक मैच रेसल किया। जितना एज में भाई रेसलर रिटायर हो जाते हैं जन्मने के बाद मतलब भाई उतना टाइम तक मैच रेसल किया। मेरे ख्याल से मैं रिक फ्लेयर का नाम लेते ही भाई मैं खुद को स्पीचलेस में फील करता हूं। नेक्स्ट आगे लिस्ट के नंबर 5 पे आते हैं ब्रेट हार्ट। ब्रेट हार्ट का भाई गेम बजाने वाला बंदा गोल्ड वर्क। अगर आपको नहीं पता तो भाई ब्रेट हार्ट रोमन रेंस के सबसे फेवरेट रेसलर आज के टाइम पर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा मैच जीतने का भी रिकॉर्ड ब्रेट हार्ट के ही नाम है। बेसिकली भाई इनका रेसलिंग करियर गोल्ड वर्क ने बहुत पहले ही खत्म कर दिया था इसलिए आपको शायद इनके बारे में बहुत अच्छे से नहीं पता। ब्रेट हार्ट भाई अपने टाइम के एक बहुत बड़े लेजेंड। वैसे आगे नंबर 4 का बात करें तो नंबर 4 पर आते हैं हमारे रॉक जो कि मेरे ख्याल से भाई बिल्कुल डिजर्विंग एटीट्यूड एरा भाई मतलब कौन भूल सकता। आज भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सारे लोग एटीट्यूड एरा को ही याद करते हैं। रॉक वो बंदा था जिसके बारे में भाई मैं क्या बोलूं, भाई तुम लोग सब जानते हो। इतना समझ लो कि रॉक से ज्यादा माइक स्किल वाला बेटर बंदा हमें आज तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कोई देखने को नहीं मिला। प्रॉपर तरीके से 5-6 साल में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर काम किया था, उसमें भी एक बहुत बड़ा नाम बना चुके। वैसे आगे नंबर 3 का बात करें तो नंबर 3 पर आते हैं हमारे शॉन माइकल जिनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। जिसने 90s का एरा देखा होगा वो शॉन माइकल को पहचानते होंगे। शॉन माइकल एक्चुअली चीज, शॉन माइकल के बारे में अगर आपको नहीं पता तो भाई आज भी रेसलिंग हिस्ट्री का सबसे
बेहतरीन रेसलर अगर किसी को कहा जाता तो शॉन माइकल को ही कहा जाता है। ग्रेट बंदा आज तक रेसलिंग हिस्ट्री के अंदर ना ही कोई पैदा लिया है ना ही कभी कोई पैदा ले सकता है। ये भाई नंबर थ्री पर भाई बिल्कुल 100% यह डिजर्विंग है। देन इसके बाद आगे नंबर टू पर आते हैं हमारे डेडमैन अंडरटेकर, जिनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। अंडरटेकर ने जो दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को, शायद से भाई कोई और ऐसा रेसलर आ सकता है जो कि देगा, मेरे ख्याल से कोई नहीं देगा। अंडरटेकर वो लेजेंड है जिसको आज के टाइम पर 50% लोग इनको चेहरे से नहीं पहचान पाएंगे, पर अंडरटेकर का नाम जरूर से उन्होंने सुना। उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को भाई क्या कुछ दिया मेरे ख्याल से सबको पता होगा। 30 साल तक लगातार मैच रेसल करते हैं। भाई फाइनली लिस्ट के हमारे नंबर वन पर आते हैं हमारे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। सिर्फ 4 से 5 साल का रेसलिंग करियर और उसमें भी इतना कमाल का रेसलिंग करियर कि इन्होंने इतिहास ही बना दिया। स्टोन कोल्ड को रेसलिंग छोड़े हुए 20 साल हो चुका, आज भी पर भाई इनका मर्चेंडाइज टॉप 5 में आता है। इस लिस्ट के अंदर ब्रॉक लेसनर का नाम नहीं था, गोल्डबर्ग का नाम नहीं था, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। उसके पीछे का रीजन है गोल्डबर्ग का रेसलिंग करियर बहुत लंबा नहीं था, ब्रॉक लेसनर यूएफसी के अंदर बीच में जा चुके। हाँ भाई ये जो मैंने टॉप 10 का लिस्ट मैंने बनाया था, आपको अंदाजा लग गया होगा मैंने रोमन रेंस को इतना पीछे क्यों रखा था, नंबर 1 पर रख सकता था। पर भाई आप लोग खुद अगर इस वीडियो को देखोगे तो प्लीज आप लोग कमेंट में बताएगा क्या मेरा लिस्ट सही है फिर खराब। हाँ सारे लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो भाई सारे लोग वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा।